की बात करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैनर में ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, या क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट के इंटरलिंकेड गए, या क्वेश्चन के अंदर बहुत बारीकी एग्जामिन की गई है. सो द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड व्हेन आई वाज कीपिंग दिस सेशन, जब मैं ये सेशन रख रहा था, सो आई हैड टू प्लान एज टू व्हाट एग्जैक्टली आई विल बी कवरिंग इन दिस सेशन. तो मेरे माइंड में यही चीज चल रही थी कि यार बच्चों के दिमाग में जो डर है ना एग्जाम के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर, वो डर खत्म हो जाना चाहिए. क्या आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसा होता है एग्जाम के अंदर कि मल्टीपल प्रोविजंस के क्वेश्चंस जब हमारे आते हैं, एंड या फिर कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है, वहां पे बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में. वुड यू ऑल्सो अग्री टू दिस? सी द पॉइंट इज, टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है ना, टैक्सेशन का सब्जेक्ट बहुत एक्सेसिव वास्ट है. अगर मैं सिर्फ इनकम टैक्स की प्रोविजंस की, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस की रिवीजन लगवाऊं ना, दैट इन इटसेल्फ इज अ मिनिमम 15 टू 16 आवर जॉब. अगर मैं मेरे इनकम टैक्स का जो भी इंटरमीडिएट पे सिलेबस एप्लीकेबल है, उस पर्टिकुलर सिलेबस के सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस भी अगर हम रिवाइज करें, तो उन प्रोविजंस को रिवाइज करने में भी हमें बहुत टाइम लगता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज दोस प्रोविजंस. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में कोई प्रोविजन लिखने के लिए नहीं आता है. आईसीआई का क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि आप ये पर्टिकुलर प्रोविजन लिख दीजिए. आपको हमेशा क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, चाहे वो एमसीक्यूज फॉर्म में है, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और उन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आपने जो भी लॉ पढ़ा होता है उसको आपको अप्लाई करना रहता है. एंड आई गेस इफ आई एम मीटिंग यू गाइस टुडे, यू मस्ट हैव बीन थ्रू विद योर फर्स्ट लेवल ऑफ रिविजन. आपने अपनी फर्स्ट लेवल ऑफ रिविजन पक्का कर ली होनी चाहिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ. क्या मेरी उम्मीद सही है? अगर मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखूं कि आपने अपनी फर्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन क्लोज कर ली होगी, बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन 2nd of April टुडे, ओनली 1 month अवे फ्रॉम एग्जाम्स, तो आई गेस आप लोगों ने अपनी फर्स्ट रिवीजन, एक रिवीजन तो आपने लगा ली होगी. सो द चॉइस दैट आई हैड फॉर टुडे सेशन वॉज कि मैं इनकम टैक्स में प्रोविजन पे फोकस करूं, या मैं इनकम टैक्स में क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करूं. तो इसमें मेरे दो कंसिडरेशन थे ये डिसाइड करने के लिए कि वॉट एग्जैक्टली विल आई बी डूइंग. देखो यार, बात ये है, नंबर वन, यू गाइस हैव बीन थ्रू विद योर फर्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन. आप में से मैक्सिमम लोग मेरे को लिख के भेज रहे हैं, हाँ जी सर, फर्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन हमारी हो चुकी है. फिर पैरेलली एग्जाम के अंदर प्रोविजंस नहीं आते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. इनकम टैक्स का जो पेपर होता है हमारे पास, इनकम टैक्स के पेपर में, इफ आई स्पेसिफिकली टॉक विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स, हमारे पास 30% पेपर जो होता है वो एमसीक्यू रहता है. मेरे पास 18 marks के एमसीक्यूज आते हैं, और मेरे पास जो 70% पेपर होता है वो 70% पेपर मेरे पास सब्जेक्टिव पेपर होता है. एक क्वेश्चन आता है 14 marks का, पहला क्वेश्चन, वो कंपलसरी होता है, वो हर किसी को अटेम्प्ट करना ही करना है, वो ऑप्शनल नहीं होता है आपके लिए. और इसके बाद आपके पास 3 questions होते हैं, यू हैव 3 questions, एंड इन क्वेश्चंस की जो वेटेज होती है दैट इज ऑल्सो 14 marks ईच, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट any two out of these three questions. In 3 questions में से आपको खाली 2 questions attempt करने होते हैं. But इतने से question के अंदर ICAI आपका तरीके से income tax examine करता है. See, please understand, आपका taxation का syllabus as compared to other subjects is vast, but ICAI is expected to ask questions from each and every topic. तो ICAI ने उसका तरीका क्या लगाया हुआ है? ICAI कहती है, अच्छा number of questions कम रहेंगे, but content ज्यादा है ना. Why don't we ask content of multiple chapters in one single question? If you see what happened in your other subjects, baki subjects mein kya hota hai, accounting mein, cost accounting mein, law mein, FM mein, auditing mein, maximum time question is topic specific question. Topic 1, usse question. Topic 2, usse question. Topic 3, usse question. But aisi cheez na hum kabhi taxation mein apply nahi kar sakte. Taxation mein the questions are mix and match of multiple things which are applicable in your syllabus. So the objective of me keeping these sessions with you is कि आप में जो भी ये डर है ना एग्जाम के questions को लेके, number one ये डर बिल्कुल खत्म हो जाए. मैं आज और कल आपको अलग अलग तरह के अलग अलग टॉपिक से मिक्स मैच करके इतने सारे questions करा दूं, बहुत subjective और objective form में, कि आपको जो भी डर लगता है आपके subject से वो बिल्कुल खत्म हो जाए. नंबर टू, जब आप पेपर देने जाएंगे, पेपर में जब आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे, तो आपको ये ना लगेगी क्वेश्चंस की फॉर्मेशन कैसे आ गई है, ऐसी तो फॉर्मेशन हमने देखी नहीं है. आप प्रिपेयर्ड हो कि आपको जो चैलेंज आएगा उस चैलेंज को आपको किस तरह से टैकल करना है. सो कैन आई एक्सपेक्ट फुल पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू गाइस इन टुडे सेशन? बताओ जी, करोगे कॉपरेट? कैन आई एक्सपेक्ट फुल कॉपरेशन फ्रॉम यू गाइस इन टुडे सेशन?
बराबर आपका इंटरेक्शन रहेगा, बराबर आप मेरे को हर चीज का आंसर देंगे. The session's productivity will increase manifold if your participation is there. चलिए अब सबसे पहली चीज जो है, I will tackle the first biggest point, जो सबसे हमारा biggest point आता है, मैं उसी को सबसे पहले टैकल करता हूं. जब हमारी एनर्जी फुल है ना, तो हमारी हमें अपनी फुल एनर्जी उस पॉइंट पे डाइवर्ट करनी चाहिए या उस पॉइंट पे लगानी चाहिए जहां पे हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को. बात क्या है यार, इनकम टैक्स के अंदर मेरे पास ये 14 मार्क्स का एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, एंड दिस कंपल्सरी क्वेश्चन इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ मल्टीपल प्रोविजंस जो हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल होते हैं. आपको इनकम टैक्स और जीएसटी क्यों पढ़ाया जाता है? आपको इनकम टैक्स और जीएसटी इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप क्या कर सके, ताकि आप किसी भी क्लाइंट की जीएसटी लाइबिलिटी निकाल सके, आप अपने क्लाइंट की इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकाल सके. यू कैन कंप्यूट इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ योर क्लाइंट, यू कैन कंप्यूट योर जीएसटी लाइबिलिटी, दैट इज वाई आपको ये पूरा टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा. तो आपके पास प्राइमरली जो आपको फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में मिलेगा, दैट विल बी कि आप इनकम टैक्स की लाइबिलिटी निकाल दीजिए और जीएसटी की लाइबिलिटी निकाल दीजिए. तो जो पहला क्वेश्चन इनकम टैक्स में आपको 14 मार्क्स का मिलता है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आईसीआई की ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ये चेक कर सके कि अगर आपको किसी भी टैक्स पेयर की मल्टीपल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, क्या आप उससे उसकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते. सो वट एवर दैट यू स्टडी अंडर द एंटायर इनकम टैक्स लॉ, वो मोटा मोटा आपका इस क्वेश्चन में एग्जामिन हो जाता है. कौन कौन से टॉपिक्स इसमें प्राइमरली एग्जामिन होते हैं? इसके अंदर एग्जामिन होते हैं हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस. पैरेलली इसमें कई बार लॉसेस का एडजस्टमेंट भी आ जाता है, कई बार इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम वाला एलिमेंट भी आ जाता है, और एक चैप्टर तो हमेशा इसमें मिक्स रहता ही रहता है, डिडक्शंस. अगर मैं अपना फोकस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे लेके आऊं ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में मेरी दो चीज कवर हो जाएगी. नंबर वन, एक तो ये 14 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारा तरीके से कवर हो सकता है. इसके अलावा जो ये 18 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं ना, इस 18 मार्क्स के एमसीक्यूज में भी आपके पास क्या होता है, एक 10 मार्क्स की केस स्टडी आती है, और उस केस स्टडी में भी आपको एक टैक्स पेयर की मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम दे रखी होती है, और उससे आपको एमसीक्यूज पूछे होते हैं. और इसके बाद आपके पास 8 मार्क्स जो है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आते हैं, कि टॉपिक कोई भी इंडिपेंडेंट टॉपिक पे आपको एमसीक्यू पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा. तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? नंबर वन, सबसे पहली चीज, सी व्हाट इज द की टू स्कोरिंग गुड मार्क्स इन टैक्सेशन. आई मायसेल्फ स्कोर 92 मार्क्स इन सी इंटरमीडिएट टैक्सेशन, और बहुत सारे बच्चों के भी 90s में मार्क्स आए हुए हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं. व्हाट इज द की टू गेटिंग दीज मार्क्स इन टैक्सेशन? हम कहते हैं टैक्सेशन में 90s अ वेरी वेरी बिग स्कोर. द की टू स्कोरिंग गुड मार्क्स इन टैक्सेशन इज, नंबर वन, आपको आपके प्रोविजंस के लिए तरीके से रिविजन करनी है. यू हैव टू डू कंप्लीट रिविजन ऑफ योर प्रोविजंस, यू कैन नॉट स्किप अ प्रोविजन. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं और मैंने प्रोविजंस को तरीके से पढ़ा हुआ है, आईसीआई चाहे किसी भी प्रोविजन से कोई भी क्वेश्चन बना दे, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट. लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करूंगा और प्रोविजंस को तरीके से नहीं करूंगा, कल को उस प्रोविजन से क्वेश्चन आ गया जो मैंने नहीं किया हुआ है, चाहे मैंने कितने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों ना किए हो, इफ दैट प्रोविजन इज समथिंग विच आई हैव नॉट स्टडीड, विच आई हैव नॉट रिवाइज, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व माई आंसर. सो इन टैक्सेशन पेपर, नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू डू is revise your provisions properly, both income tax as well as GST. और आपको provisions को revise करने के लिए आपके हमने क्या help की हुई है? Provisions को revise करने के लिए we have launched one summary booklet. और जो summary booklet है उसके अंदर आपका सारा का सारा syllabus जो है वो 84 pages में summarized है. In 84 pages में जो 50 pages है वो 50 pages आपके income tax के रहते हैं, और जो आपके 34 pages है वो GST के रहते हैं. And मजे की बात क्या है, इन income tax और GST के प्रोविजंस को रिवाइज करने के लिए आपके पास डेडिकेटेड यूट्यूब पे मैराथन्स ऑलरेडी रखी हुई हैं. आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, आपको इनकम टैक्स के 50 पेजेस की ये समरी कवर कराने के लिए और जीएसटी की समरी कवर कराने के लिए आपके पास डेडिकेटेड रिविजन है, जहां पे आप अपने इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के प्रोविजन को तरीके से रिवाइज कर सकते हैं. बट प्रोविजन रिवाइज करना, डज दैट मीन कि मेरा पेपर एकदम तरीके से हो जाएगा? नहीं जी. प्रोविजन रिवाइज करके आपको एक चीज की टैक्सेबिलिटी, नॉन टैक्सेबिलिटी या ट्रीटमेंट समझ आता है. बट एग्जाम में आपके पास कोई छोटे छोटे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस नहीं आते, एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहली चीज, आपको प्रोविजंस जो है वो प्रोविजंस 100% तरीके से रिवाइज करने. और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स तरीके से, आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्वेश्चन आंसर्स की एक एडिक्वेट प्रैक्टिस रखनी है. और क्वेश्चन आंसर्स की जो एडिक्वेट प्रैक्टिस है वो एग्जाम लेवल की होनी चाहिए.
ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को खुश किए जा रहे हैं और आप रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे फिगर्स के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकाले जा रहे हैं, छोटे छोटे रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, छोटे छोटे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, बहुत इजी कैपिटल गेन्स की कंप्यूटेशन किए जा रहे हैं, वो काम से काम नहीं चलेगा जी। यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स, एडिक्वेट प्रैक्टिस, एंड दी प्रैक्टिस हैज टू बी ऑफ एग्जाम लेवल क्वेश्चन आंसर्स। जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आंसर्स हैं उस लेवल तक के आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इस प्रैक्टिस के लिए आपको क्या कंटेंट मिलेगा, ये जो समरी बुकलेट अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो आप अलग से बाय कर सकते हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स की एडिक्वेट प्रैक्टिस के लिए आई एम शेयरिंग वन डॉक्यूमेंट विद यू। वो डॉक्यूमेंट आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। आई गेस जो WIRC की टीम है इन्होंने आपके साथ वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया होगा। वहां पे मैंने आज के सेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट डाला हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने MCQ सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग डाले हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ टुमारो सेशन हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारे पास इनकम टैक्स में तरीके से हमें ग्रिप है ऑन क्वेश्चन आंसर्स व्हिच माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। सो आई गेस आई हैव गिवन यू वेरी एडिक्वेट इंट्रो एज टू व्हाट वी विल बी कवरिंग। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने डिस्कशन के ऊपर आते हैं, एंड सबसे पहले मेरा टारगेट यही है कि जो ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है ना, इसका डर खत्म हो और इसमें आपको पता चले कि इसके अंदर से क्या क्या कंटेंट आपके पास आता है, व्हाट ऑल कंटेंट इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स, क्या क्या कंटेंट जो है वो कंटेंट एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। आई विल रेफर टू पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जिनसे आपको और बेटर आइडिया होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। इस कंपल्सरी क्वेश्चन में आपका पूरा सिलेबस एप्लीकेबल होता है, जहां पे आपके पांचों हेड्स एग्जामिन होते हैं, डिडक्शन एग्जामिन होती है, एंड आउट ऑफ 10 टाइम्स मेरे पास 9 बार जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन मैक्सिमम 10 में से 9 बार PGBP के ऊपर बेस्ड होता है। और PGBP के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे मेरे को एक P&L अकाउंट दे रखा होता है, उस P&L अकाउंट के अंदर बहुत सारे लाइन आइटम्स डेबिट हो रखे होते हैं, क्रेडिट हो रखे होते हैं, जिसमें से आई हैव टू आइडेंटिफाई कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। For this, I am referring to a statement which is given in ICI study material. एक performer है ये, और ये performer ICI के study material में दे रखा होता है। In all kinds of questions, जो maximum questions exam में आते हैं, comprehensive question, वहाँ पे मेरे को एक P&L account दे रखा है। उस P&L account पे मेरे पास कुछ entries debit side पे भी है, कुछ entries मेरे पास credit side पे भी है। इन debit entries और credit entries को identify मेरे को करना है कि क्या ये entries ठीक है या नहीं है, और फिर मेरे को यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल के दे रखा होता है। प्लस क्वेश्चन में मेरे पास अदर इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जिस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके मेरे को टैक्स पे की टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द SSC। आई होप आप सब लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव एक्सेस टू दिस डॉक्यूमेंट। जो ICI की टीम है, दे हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आल्सो, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, आज सुबह सुबह ही मैंने इसे शेयर किया। तो ये जो परफॉर्मर है ये आपको बताता है कि PGBP हेड में एग्जैक्टली आप इनकम किस तरह से निकालेंगे, हाउ विल यू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड PGBP। एक और चीज है, आप टेलीग्राम चैनल को एग्जाम्स तक सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसको उस पर आपको एग्जाम रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा मिलेगा। पैरेलली आपको उस पर हर चैप्टर का इनकम टैक्स एज वेल एज GST वहां पे उसका टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल होगा सॉल्यूशंस के साथ। सो इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट टिल योर एग्जाम्स आर देयर। अब इन क्वेश्चंस में मेरी अप्रोच क्या होती है, व्हाट इज माय अप्रोच इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? माय अप्रोच इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज नंबर वन टू स्टार्ट विद दिस नेट प्रॉफिट, मेरे को इस नेट प्रॉफिट के साथ स्टार्ट करना है। आई एम नॉट सेइंग कि ये नेट प्रॉफिट एकदम ठीक होगा, ये नेट प्रॉफिट गलत ही होगा, इस नेट प्रॉफिट से आपको सही नेट प्रॉफिट पे आना पड़ेगा। आप सही नेट प्रॉफिट पे कैसे आ पाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इसके लिए आप आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पे डेबिट साइड पे जो भी चीजें हैं जो एक्सपेंसेस की तरह चार्ज हो रखी हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। अगर वो एक्सपेंसेस ठीक तरह से चार्ज नहीं हो रखे हैं, वो एक्सपेंसेस P&L में डेबिट करना अलाउड नहीं है, तो यू आर सपोज टू एड बैक दोज एक्सपेंसेस। आपको ये एक्सपेंसेस क्या करने कहेंगे, आपको ये एक्सपेंसेस एड बैक करने कहेंगे अगर वो एक्सपेंसेस P&L में डेबिट करना अलाउड नहीं है। व्हाट कैन बी द रीजंस जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट करना अलाउड नहीं है। मैं आपसे डायरेक्ट कंक्लूजंस वाली बात करता हूं, बिकॉज एज आई सेड आप में से मैक्सिमम लोगों ने अपना फर्स्ट लेवल रिवीजन लगाया हुआ है। नंबर वन, कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो बिजनेस नेचर के है ही नहीं, जो पर्सनल नेचर के हैं। पर्सनल नेचर का कोई भी खर्चा P&L में डेबिट ही नहीं होना चाहिए। और
मानो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर होता है उस पर मेरे को डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर मैंने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर जो है उसे पीएनएल में डायरेक्टली डेबिट कर दिया है तो मेरे को आइडियली वो माइनस करना अलाउड नहीं है, आई शुड इट बैक दैट एक्सपेंस एंड बाद में उस पर मेरे को डेप्रिसिएशन लेना चाहिए। इसके अलावा मानो मैंने किसी भी रिलेटेड पार्टी को कोई भी पैसा पे किया जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से एक्सेसिव है, तो मेरे पास एक सेक्शन आता है सेक्शन 48(2), एज पर सेक्शन 48(2) वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। इसके अलावा मेरे बिजनेस के जो पेमेंट्स होती है उन बिजनेस के पेमेंट्स पे मेरे को क्या करना होता है, उन बिजनेस के पेमेंट्स पे मेरे को टीडीएस काटना रहता है। अगर मैंने उन बिजनेस के पेमेंट्स पे टीडीएस नहीं काटा मैं उन एक्सपेंडिचर को पीएनएल में आईडियली डेबिट नहीं कर सकता। अगर एक्सपेंडिचर पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो रखा है बट उस पर आपने टीडीएस नहीं काटा, इफ द पेमेंट इज बीइंग मेड टू नॉन रेजिडेंट एज पर सेक्शन 40(a)(1) 100% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। इफ द पेमेंट इज बीइंग मेड टू अ रेजिडेंट एज पर सेक्शन 41(a) 30% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। तो आपने पीएनएल में कोई भी खर्चा जो है वो पीएनएल में कोई भी खर्चा डेबिट किया है एंड पीएनएल में कोई भी खर्चा आपने जो डेबिट किया है वो अगर पीएनएल में डेबिट करना अलाउड नहीं है तो आइडियली यू आर सपोज टू ऐड बैक दैट एक्सपेंडिचर। तो इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है आप प्रॉपर्टी को किराए पे दे चुके हैं, आप प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कुछ बाकी हेड के खर्चे भी पीएनएल में डेबिट हो रखे हो। अगर बाकी हेड के खर्चे भी अगर पीएनएल में डेबिट हो रखे हैं तो उन खर्चों को फिर आपको ऐड बैक करना चाहिए। यू आर सपोज टू ऐड बैक दोस एक्सपेंडिचर्स जो आपके पीएनएल के एक्सपेंडिचर्स नहीं है, जो आपके बाकी हेड के एक्सपेंडिचर्स हैं। तो लाइन वाइज आइटम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। कुछ खर्चे अगर पीएनएल में डेबिट हो रखे